हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेस्ट विथ हेल्दी ट्विस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह की कॉफ़ी, और वो भी मिनटों में। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली हुई है कॉफ़ी, ये मैंने ब्रू का लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं ग्राइंडिंग जार, इसमें मैं ले रही हूँ 6 चम्मच कॉफ़ी, और मैंने इसमें लिया हुआ है 12 चम्मच चीनी। इसमें डालते हैं पानी, मैं इसमें अभी टोटल 6 चम्मच पानी डाल दी हूँ। ये नॉर्मली पानी है, मैंने बस कॉफ़ी वाले कप में ले लिया, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो चलिए पहले इन सब चीज़ों को एक बार ब्लेंड करते हैं। एक बार इसे चलाते हैं और फिर से एक बार दोबारा से इसे ब्लेंड करना है। एक बार इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी को देखिए। मैंने इसे 2-3 बार मिक्सी में चलाकर और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप एक बार इसकी कंसिस्टेंसी को देख लीजिए, और इसका कलर भी चेंज हो गया है और एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका। तो चलिए इस पेस्ट को निकालते हैं बोल में। इसे बोल में निकाल लिया, अब इसे 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसे फॉक से भी फेंट सकते हैं। किसी कप में निकाल लेना इसको और उसे अच्छे से फेंट लेना। मैंने इसे विस्क से 15 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। देखिए आप, ये कैसे हो गया है, बिल्कुल ही स्मूथ फ्रॉथी। और जो मैंने जार में फेंटा हुआ था, देखिए आप उसका कलर, दोनों में कितना डिफरेंस है। बस इसको आपको फेंटने की थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे एक बार बनाएंगे और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 मंथ तक यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हॉट कॉफ़ी। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप दूध, और दूध को रखते हैं गर्म होने। दूध को गर्म करते हुए चलाते रहेंगे, जिससे इसमें माइक्रो बबल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दूध में बॉईल आ गया है और इसे मैं लगातार विस्क से चला रही हूँ। तो चलिए 1 चम्मच भर के लेते हैं कॉफ़ी का पेस्ट और इसे निकालते हैं कप में। इसके ऊपर से डालते हैं अपना मिल्क। इसे मिक्स करते हैं स्पून से। इसमें 1 स्पून और डालते हैं। चलिए तो इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करते हैं कॉफ़ी। तो हमारी मार्केट जैसी हॉट कॉफ़ी बन के तैयार है। तो चलिए इसके बाद बनाते हैं अपनी नेक्स्ट कॉफ़ी, जो है कोल्ड कॉफ़ी। इसके लिए मैं सबसे पहले इसी जार में जिसमें मैंने कॉफ़ी का पेस्ट बनाया हुआ था, इसमें लेते हैं 2 आइस क्यूब्स। ये मैंने लिया हुआ है चिल्ड मिल्क। कप को मेज़र करती हूँ, मैं मिल्क ले रही हूँ। ये मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है। इसमें डालते हैं 1 चम्मच भर के अपना कॉफ़ी का पेस्ट। और इसे एक बार ब्लेंड करते हैं। ग्लास में लेते हैं क्यूब, इसमें पोर करते हैं अपनी कॉफ़ी।
इसमें डालते हैं कॉफ़ी का पेस्ट। पेस्ट इतना स्मूथ बना है, बिल्कुल मार्केट का मशीन जैसी कॉफ़ी बनी हुई है। स्प्रिंकल करते हैं कुछ कॉफ़ी ऊपर से, तो हमारी बहुत ही सिंपल कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। अब हम बनाते हैं अपनी थर्ड कॉफ़ी जो है चॉकलेट कॉफ़ी। इसके लिए लेते हैं 1 चम्मच अपना पेस्ट। इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच कोकोआ पाउडर। इसे एक बार मिक्स करते हैं। सबसे पहले जार में डालते हैं 2 क्यूब। इसके बाद डालते हैं अपना ये पेस्ट। इसमें ऐड करते हैं 1 ग्लास दूध। सारी चीज़ों को करते हैं ब्लेंड। ग्लास में लगाते हैं चॉकलेट सिरप। अब हम इसमें डालते हैं अपना चॉकलेट कॉफ़ी मिक्स। इसमें डालते हैं 1 चम्मच कॉफ़ी मिक्स। ऊपर से डालते हैं चॉकलेट सिरप। ऊपर से डालते हैं थोड़ी सी कॉफ़ी। तो हमारी कॉफ़ी बनके तैयार है। और ये बची हुई मिक्स को मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के यूज़ करूँगी। ये 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मैंने इस मिक्स को एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है और मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। ये 1 मंथ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमारी इंस्टेंट और तीनों तरह की कॉफ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबाएं। थैंक यू।